अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल आदाब, और सब कह रहे हैं होंगे, उम्मीद है। ये अपना कॉलेज है, हम कॉलेज का ब्लॉग शूट कर रहे हैं। तो मैंने और मेरे फ्रेंड ने ये पहले से डिसाइड किया हुआ था कि हम हॉस्टल की एक ब्लॉग शूट करेंगे। हॉस्टल में रहते हैं, उसकी हॉस्टल में कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या कैसे हम कैसे हॉस्टल में रहा जाता है, तो उस सब चीज़ों में हमें एक ब्लॉग शूट करना था। तो आज ये हमारी पहली वीडियो है और उम्मीद है कि आप इसको लाइक करेंगे। तो सर अपना कॉलेज दिखाइए। बस वाले आके बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं आवाज। यहाँ पे मेन रोड साथ, मेन रोड यहाँ पे साथ में है, इसलिए चंडीगढ़ वाली है, गाड़ियाँ चल रही है और लग रहा है कि आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी। हाँ। बट हम अंदर जाएंगे तो उसके बाद तो हमारी वॉइस जो है क्लियर रहेगी। ये अब हम अंदर जा रहे हैं, ये रहा हमारा, ये कॉलेज का मेन गेट है। ये रहा हमारा कॉलेज। ये हो गया यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड सर, हाय कर दीजिए। ये हमारे गार्ड सर हैं। फिर से हम लोग कॉलेज के अंदर जाते हुए, तो ये यहाँ पे हमारा पार्किंग है, जो बाहर से बच्चे आते हैं बाइक्स वगैरह लेके, साइकिल्स वगैरह लेके, गाड़ी वगैरह जो भी है। हाँ। तो यहाँ पे पार्क की जाती है। तो ग्लोब, ये कॉलेज का नाम तो हमने परसों पहले ही उसमें आपको बता दिया था, फिर से बता दें कौन सा कॉलेज है या क्या भी है या कैसे क्या होता है। तो ये कॉलेज है हमारा ग्लोबल रिसर्च ग्रुप ऑफ फार्मेसी। इसमें ये है कि फार्मेसी भी होती है, डी फार्मा, बी फार्मा जो भी है। तो उसके बाद बीटेक भी रहता है, तो बीसीए भी रहता है। तो उस हिसाब से बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं और अपना कोर्स कम्प्लीट करते हैं। ये बोल रहा है ज्यादा शर्मा रहा है। इधर देख लो, हाय कर दो भाई। यस, ये रहा अपना कॉलेज। ये रहा कॉलेज का बगीचा, यहाँ पे मतलब प्लांट्स लगाए हुए हैं, जैसे बायो में रहते हैं ना, कुछ प्लांट्स है। अभी उतना मैंने बायो तो पढ़ी है, पर उतना मुझे भी नहीं पता कि ये कौन से प्लांट्स है वगैरह, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्लांट्स के नाम वगैरह तो लिखे हुए हैं कि कौन सा प्लांट है क्या, ये तो ऐसे ही बनाया हुआ, क्योंकि हमारा बायो तो है नहीं और हमें फार्मेसी में बायो तो रहता नहीं। हाँ, अगर आएगा तो उसका आगे पता नहीं है। तो बाकी ये है अपना कॉलेज। तो ये कॉलेज का मेन गेट है, जहाँ से एंट्री मिलती है कॉलेज में। और अभी कॉलेज हमारा बंद है, क्योंकि अभी शाम का टाइम है और हमें शाम को ही टाइम मिला व्लॉग शूट करने का। तो ये है हमारा कॉलेज का मेन गेट। तो यहाँ पे अंदर है, तो सबसे पहले रिसेप्शन आता है अंदर, तो उसके बाद एंट्री मिलती है कॉलेज में। तो थोड़ा सा अगर दिख रहा है तो दिखाओ। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो नेक्स्ट टाइम अंदर से ब्लॉग बनाएंगे। हाँ। आप लोग के लिए ये अपना कॉलेज है। तो इसमें अभी हम शाम को ब्लॉग शूट कर रहे हैं, क्योंकि हमें सुबह से अभी तक टाइम नहीं मिला था, और इतना कि कल हमारा थोड़ा झगड़ा भी हुआ था। तो उस हिसाब से हमने, हमारा ये था कि हम कल शाम को ब्लॉग शूट करने वाले थे, पर दिन को ब्लॉग शूट करने वाले थे, पर हमें टाइम ना लगा ब्लॉग शूट करने का। और अभी सुबह से ही कपड़े धोने के लिए थे, फिर खाना वगैरह, फिर सुबह 12 बजे तक हम बस उठे हुए थे, हॉस्टल लाइफ है, क्योंकि हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल लाइफ है, और छुट्टी, क्योंकि हमें सैटरडे और संडे को छुट्टी रहती है। तो आज हम काफी देर से सुबह उठे भी, उसके बाद थोड़ा काम था, कपड़े वगैरह धोने थे। तो उसके बाद अभी मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि हम खेल ही रहे थे। हाँ। तो ये भी आएगा अपना काम खत्म वगैरह करके, तो हमने कहा कि थोड़ा व्लॉग शूट कर दें, क्योंकि ये हमारा पहला व्लॉग है, और उम्मीद है कि आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब, काफी ज्यादा प्यार करेंगे आप हमारे व्लॉग को। ये रहा हम लोग का ग्राउंड कॉलेज का, ये ग्राउंड है। ये ये हमारा फार्मेसी का ब्लॉग है। जैसे डी फार्मा और बी फार्मा है, तो दोनों का ब्लॉग मिक्स ही है, क्योंकि आधी बिल्डिंग इसकी इस साइड हुई है और बीच में थोड़ा पार्क वगैरह रखा हुआ है इन्हें, तो उसके पीछे जो है वो डी फार्मा का ब्लॉग है। ठीक है, अब आगे दिखाओ इनको।
हाँ तो ये यहाँ पे अपना बीटेक का ब्लॉक है, तो जैसे बीटेक के जितने भी बच्चे रहते हैं बाहर से या अपने हॉस्टल में भी काफी बच्चे रहते हैं बीटेक के, तो वो जो गेट हमने आपको पहले दिखाया हुआ था जहाँ से एंट्री मिलती है कॉलेज में, तो वो है अपना फार्मेसी का ब्लॉक था, और वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं फार्मेसी सब सुबह कॉलेज जाते हैं, तो कॉलेज की एंट्री तो कहीं से भी होती है गेट की, बट वो अपना फार्मेसी का ब्लॉक रह रहा है, और यहाँ पे अपने बीटेक का बीसीए वगैरह जो भी रहते हैं तो वो इस साइड रहते हैं। दिखा दो इनको अंदर। अंदर तो लॉक है अभी, अभी तो कुछ दिख नहीं। तो ये यहाँ पे यहाँ से आगे हम जा रहे हैं, क्योंकि अभी पीछे से कॉलेज तो काफी है, बट अब अभी वहाँ पे हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि थोड़ा शूट भी कर रहे हैं और थोड़ा देर भी होगी और अच्छे से क्लियरिटी नहीं भी आ रही होगी फोन की। तो यहाँ पे आगे दिखा रहे हैं, यहाँ पे अभी हम खेल ही रहे थे, तो अभी हम खेलते हुए जो है ब्लॉग शूट करने आए थे, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, तो शाम को तो काफी ज्यादा गेमें रहती है यहाँ पे, जैसे बैट बॉल वगैरह रह गया या वॉलीबॉल हो गया या बास्केटबॉल हो गया या कुछ भी, ऐसे काफी बच्चे खेलते हैं यहाँ पे, तो अभी हम खेल ही रहे थे तो हम ऐसे ही ब्लॉग शूट करने आ रहे थे। और दिखाओ इनको जो बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं, इंजॉय करो गेम को। वो वहाँ पे पीछे जो आपको दिख रहा होगा, दिखाओ इनको, यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है, तो यहाँ पे हम जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे बॉयज को अलाउ नहीं है जाना, बट अब दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा थोड़ा वहाँ आगे चल रहा। तो ये अपना गर्ल्स हॉस्टल आता है यहाँ पे, एंट्री तो नहीं है बट हम आपको दूर से ही दिखा रहे हैं, तो हम जाएंगे तो मार पड़ेगा। जो बॉयज हॉस्टल है तो वो इसके उस साइड पड़ता है, वो भी आपको दिखाएंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। हम अपना बॉयज हॉस्टल या उसके अंदर हम क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या 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 करते हैं अंदर, खेलते भी हैं, मस्ती भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, तो वो हम आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। Introduction, cause they know Brit and Mo. I hit the lotto, my motto, roll up gelato and throttle a couple models to Kyle who fucking brought up the bottles. I'm gone ham. This ain't even luck, all planned. Y'all know who the fucks I am. Burning bucks, smoke bands. Always been the MO since the start of this, and now I'm on a mission like I'm Artemis. Hey, we gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug, right? Fucking got a feeling that it's gonna be a long night. ये यहाँ पे अपनी कॉलेज की कैंटीन है जहाँ पे हम लंच करते हैं कभी, जब हमारा फ्रेंड कोई बाहर से लेके आता है, दिन को तो हम मैस में ही करते हैं, पर कभी कभी हमारा लंच कैंटीन में भी होता है, डिनर तो होता ही होता है उसका, तो है तो हम आपको दिखाएंगे कि हमारी कैंटीन कैसी अंदर हो जाती है। ये है अपने कैंटीन के मालिक मनदीप। हाय कर दे भाई। हाय कर दे। तो जो यहाँ के कैंटीन के ओनर हैं, जो हमें हमारे दोस्त भी हैं, तो काफी चीजें ऐसी जो हमें फ्री भी देते हैं तो वो लगवा दे, बाकी यहाँ पे कैंटीन का दिखाओ थोड़ा, कैंटीन पे कैसे क्या है। कैंटीन अभी खाली क्योंकि अभी कोई है शाम के टाइम, तो बच्चे डिनर कर रहे हैं, हमारे कारीगर है। ये है अपनी कैंटीन, ये पे जहाँ पे खाना बनता है, यहाँ पे अभी ये ब्रेड पकौड़ा बना रहे हैं, तो ये कुछ ब्रेड पकौड़े हैं जो बने हुए हैं ये पहले से ही, ठीक है। तो ये हमारे भाई पाल आए कर दे कैमरे में, हाँ, जो शाम के लिए खाना बनाते हैं, और जो भी यहाँ पे बनता है हमारे कैंटीन में, वो सब अपने माईपाल भाई बनाते हैं, इनका नाम माईपाल है, हाँ। तो इनसे पूछेंगे भाई शाम के लिए क्या बन रहा आज? अंडा और चिकन दोनों। तो और कुछ? और तो मंचूरियन बनेगा। हाँ, तो कैसे देते हो आप अंडे की प्लेट वगैरह? अंडे की 25 रुपए की है, 25 रहती है, हाँ, और 50 की रहती है, और इसमें ये है कि जो इसमें जो अंडा कड़ी रहता है तो उसमें एक अंडा मिलता है 25 की, क्योंकि काफी अच्छा बनाते हैं ये, टेस्ट भी काफी अच्छा होता है,
तो 25 की देते हैं, रेट भी अच्छा है। और जो चिकन की प्लेट है वो 50 की रहती है और उसमें 5-6 पीस रहते हैं, ठीक है, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये है अपनी कैंटीन, फिश वगैरह जो भी रहता है। तो ये अपने आसिफ का काफ़ी देर से हमें दिख नहीं रहे थे क्योंकि ये शूट कर रहे थे, ठीक है। तो ये हाँ, तो ये कुछ बोल रहे हैं, इनको भूख लग रही है तो खा रहे हैं ब्रेड पकौड़ा। तो ये गया तेल में फ्राई होने, हमारे कारीगर बहुत मेहनती है। हाँ, ये काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें बना के देते हैं हमें, काफ़ी अच्छा टेस्ट है इनके हाथों में। तो उम्मीद है कि आगे भी हमारे साथ रहेंगे, ये तो आते रहेंगे वीडियो अगली वीडियोस में भी। तो अभी हम कैंटीन से बाहर आ गए हैं, तो अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ अपने बॉयज़ हॉस्टल की तरफ, ठीक है। तो ये अपना बॉयज़ हॉस्टल रहता है, ये तो हमारा वर्कशॉप है, ये जो वाइट कलर का दिख रहा है आपको, तो जो उसके पीछे आपको रेड कलर का दिख रहा होगा, तो ये हमारा बॉयज़ हॉस्टल है। और ये आगे बॉयज़ हॉस्टल की छोटी सी पार्क है, जहाँ पे अभी घास तो बहुत बड़ा हुआ है क्योंकि काफ़ी टाइम से कॉलेज बंद था और काफ़ी टाइम से कॉलेज ओपन हुआ है, तो उसके बाद अभी बारिश भी हो रही थी तो घास तो काफ़ी चढ़ गया है। तो आप देखेंगे, तो ये है, ये अपना बॉयज़ हॉस्टल, ठीक है। तो हम दोनों ने ये चैनल स्टार्ट किया हुआ है व्लॉग्स का, हॉस्टल व्लॉग्स, जो हॉस्टल लाइफ के ऊपर जो भी व्लॉग्स हम शूट करेंगे वो आपको दिख जाएगा अगली आने वाली वीडियोस में। तो ये अभी हमारे साथ आए हुए मुनक्किया पानीपत से हैं ये, तो हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं यहाँ, भाई भी है, हम इनको भाई समझते हैं जो भी है। तो ये अपना हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल के पास लेके जा रहा हूँ मैं आपको। तेरे बिना मैं हाँ, तो ये जो आपको काफी, ये तो अपना ये है बॉयज हॉस्टल का गेट है हमारे, और ये जो पास में दिख रहा है आपको पार में, तो ये मैस है हमारा जहाँ पे अंदर खाना खाते हैं। तो ये सब आपको दिखाएंगे हम दूसरे व्लॉग में जो हमारा नेक्स्ट व्लॉग आएगा। ये अपना बॉयज हॉस्टल है।